हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स जो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, इनकम टैक्स ई इंडिया वेबसाइट जो है, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग वेबसाइट, तो वहां पर रिटर्न फाइल करने के बाद जो है आपको जो एक्नोलॉजमेंट वहां पर आपको दिखता है, ठीक है, उसको क्या है कि भेजना पड़ता है बैंगलोर में, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के बैंगलोर में भेजना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है कि आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो। अगर ऑनलाइन आप वेरीफाई कर दीजिएगा उसको, तो फिर आपको उसको बैंगलोर भेजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसको वेरीफाई करने का बहुत सारा ऑप्शन होता है, ठीक है। उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है आधार कार्ड, आधार का जो OTP नंबर होता है उसके द्वारा वेरीफाई कर, ठीक है। तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, क्योंकि आप जब ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हो तो एक्नोलॉजमेंट अभी जो है ना अनवेरीफाइड रह जाता है। जब जब आप उसको प्रिंट आउट निकाल के जो है भेज दोगे बेंगलोर में, तब वो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन अभी जो है लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए जो है आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको दे दिया गया है। तो तीन तरह का ऑप्शन है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये है कि आधार OTP के द्वारा कैसे वेरीफाई, वही मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से वीडियो देखिए, मेरे पास जो है कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, उसके हेल्प से मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग का वेबसाइट जो है इस पर जाना है। यहां पर जो है ना लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करने के बाद सारा डिटेल, यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो है आपको लॉगिन करना है। यहां पर लॉगिन कीजिएगा तो आपको जो है एक ऑप्शन यहां पर है ई फाइल, ठीक है, ई फाइल को क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में देखिए ई वेरीफाई रिटर्न, ठीक है, इसको क्लिक कर वेरीफाई रिटर्न। तो यहां पर देखिए आपको जो भी वेरीफाई जैसे करना होता है एक्नोलॉजमेंट वहां पर यहां पर दिखता है, लेकिन मेरा दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वेरीफाई कर चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर वो दिख नहीं रहा है, लेकिन किसी और के एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो इस तरह का वो दिखाई देगा, ठीक है। ई वेरीफाई इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक आपने रिटर्न भरा है इस तरह का दिखेगा और लास्ट में आपको दिखाई देगा ई वेरीफाई का ऑप्शन, इसको जो है क्लिक करना है आपको ई वेरीफाई को। यहाँ पर करिएगा तो आपको तीन तरह यहाँ पर आता है, ठीक है, ठीक है। तो आप जो है अगर आपके पास EVC कोड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई कोड है, तो आप उसके द्वारा कर सकते हो, या पर नहीं है तो उसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो है आप इसको जो है ना आधार OTP, यहाँ पिक्चर उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए तीसरा ऑप्शन जो है ना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आधार OTP के द्वारा आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये तीसरा ऑप्शन को यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तीसरा ऑप्शन क्लिक करना है और आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पर जो है ना आपका जो आधार नंबर आपका जब आपने अप्लाई किया था, तो आपने जिस मोबाइल नंबर को वहाँ डाला था, सबमिट किया था या रजिस्टर किया था, उसी मोबाइल नंबर पर आपका है ना एक OTP नंबर आएगा, ठीक है। उस OTP नंबर को यहाँ पर डाल के आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर OTP डाल के सबमिट करना है, ठीक है, यहाँ पर OTP डाल के सबमिट कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि रिटर्न सक्सेसफुली ई वेरीफाइड डाउनलोड एक्नोलेजमेंट। तो ये जो आपका वेरीफाई हो चुका है, अब इसको जो है ना आपको बेंगलोर भेजने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपने इसको ऑनलाइन ई वेरीफाई कर दिया है आधार OTP के नंबर जो है ना उसके हेल्प से। तो यहाँ से आप जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हो एक्नोलेजमेंट को, और इसको जो है आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपका काम खत्म हो गया है, आपको इसको बेंगलोर में भेजने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह का जो है ना आप एक्नोलेजमेंट को जब डाउनलोड कीजिएगा तो नीचे में जो है ना आपको एक मैसेज आएगा, डू नॉट सेंड दिस एक्नोलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु अब डालने का आपको जरूरत नहीं था। अगर आप ई वेरीफाई नहीं करते तो उस केस में आपको बेंगलुरु भेजना पड़ता, ठीक है, फिर वहां से आपको जो है ना वेरीफाई होता, वो आपका साइन करके भेजना होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे आपको वेरीफाई करना होता है आप जो रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है। आप खुद से रिटर्न फाइल कर रहे हो या फिर अपने किसी हेल्पर से करवा रहे हो, लास्ट में आप जो है इस केस में आप इस तरह से आधार OTP के द्वारा उसको ई वेरीफाई कर सकते हो और आपको बेंगलोर भेजने के टेंशन से आप बच सकते हो, फिर आपको बेंगलोर भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अब भविष्य में आप इसका इस्तेमाल करके आप जो है ना अपना जो भी रिटर्न फाइल करोगे उसको ई वेरीफाई कर पाओगे। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आपके बहुत सारे डेली लाइक्स कमेंट्स जो है मुझे मिलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे वीडियो को इतना लाइक करते हो, पसंद करते हो, प्यार देते हो। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आप चाहते हो कि मेरे नए ट्यूटोरियल्स का नोटिफिकेशन आपको ईमेल आईडी पर मिलता रहे तो आप चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और मेरे वीडियोज़ को वॉच करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।